साथियों, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें भी सभी के लिए अवसर भी मौजूद है। जिन जिलों, जिन ब्लॉक्स में जो पैदा होता है, वहीं आसपास इनसे जुड़े क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में जूट किसानों के लिए पास में ही जूट आधारित उद्योगों को और मजबूती दी जाएगी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अपार संपदा जुटाने वाले आदिवासी साथियों को उनके क्षेत्र में ही आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही बांबू और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए भी क्लस्टर्स बनेंगे। सिक्किम की तरह पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत बड़ा हब बन सकता है, ऑर्गेनिक कैपिटल बन सकता है। आईसीसी के साथ जुड़े आप सभी व्यापारी अगर ठान ले तो नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। आप उसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर के ग्लोबल मार्केट पर छा सकते हैं। साथियों, आप सभी नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत में इतने दशकों से काम कर रहे हैं, सरकार ने जो तमाम कदम उठाए हैं, इनका बहुत बड़ा लाभ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को होगा। मैं समझता हूं कि कोलकाता भी खुद फिर से एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। अपने पुराने गौरव से प्रेरणा लेते हुए भविष्य में कोलकाता पूरे क्षेत्र के विकास का नेतृत्व कर सकता है। आपसे बेहतर और कौन जानता है कि जब श्रमिक पूर्व के, संपत्ति पूर्व की, संसाधन पूर्व के, तो इस क्षेत्र का विकास कितनी तेज गति से हो सकता है। साथियों, 5 साल बाद यानी वर्ष 2025 में आपकी संस्था अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। वहीं वर्ष 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये आपकी संस्था के लिए, आपके प्रत्येक सदस्य के लिए, आपकी कोई भी औद्योगिक इकाई हो या व्यापारिक इकाई हो, बेहतरीन समय है एक बड़ा संकल्प लेने का। मेरा आपसे आग्रह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को चरितार्थ करने के लिए आईसीसी भी अपने स्तर पर 50-100 नए लक्ष्य तय करें। ये लक्ष्य संस्था के भी हो, इससे जुड़े हर उद्योग और व्यापारिक इकाई के भी हो और हर व्यक्ति के भी हो। अब जितना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, उतना ही ये अभियान पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ेगा, जो देश को भी आगे ले जाएगा।